Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. देखो अब नई साल आने वाली है. नई साल में हम एक और पॉजिटिव सोच के साथ पुलिसिंग करना चाहते हैं. पुलिस समाज से अलग नहीं है. हम इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज में काम करते हैं. पुलिस की एक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का एक पॉजिटिव जो रोल है ये भी लोगों को पता चले. ये जो थोड़ा सा अब इस टाइप का पॉजिटिव काम करके हम लोगों में ये पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस सारे काम करने के अलावा इस टाइप का पॉजिटिव सोच भी रखते हैं. करीबन कहाँ पे आज जो ये कार्यक्रम है, कितने बच्चों का, कुछ कोई लक्ष्य रखा गया है सर? लक्ष्य ऐसा लक्ष्य कुछ भी नहीं है. ये एक मुहिम है, छोटा सा मुहिम है. तो जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा गर्म कपड़ा नहीं है, इसको हम थोड़ा सा देने का कोशिश करें. पुलिस मुख्यालय का निर्देश था कि समाज में जाएं, जो भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली जो कमज़ोर है, इनको हम थोड़ा सा छोटा सा मदद करें. इसी के तहत हम ये सभी जिलों में और मतलब सभी थाना क्षेत्र, हाँ, सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालयों में ये आदेश है. देखिए, जैसा कि आप सभी की जानकारी में है, डी साहब के निर्देश हैं कि पुलिस जो है लोगों के पास जाए, उनके साथ अपने संपर्क बढ़ाए, और ख़ासतौर से जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर वर्ग है, जिनके पास में इस सर्दी में कम्बल ओढ़ने के लिए नहीं है या फिर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको जो भी मदद हम जनता के सहयोग से दे सकते हैं वो मदद करें उनकी. उसी क्रम में अभी जैसे हम दिन में हम लोग गए थे बच्चों के पास में, और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर जो भी यहाँ पर गरीब हैं, जो रहते हैं, कुली हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में कम्बल वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, और उसी लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं. अभी हमारे नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ. नया वर्ष शुरू हो रहा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए वर्ष पर जो अजमेर पुलिस है वो आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुरक्षित माहौल दे पाएगी. आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी हमारे साथ सहयोग करेंगे. हमें ज़्यादा बेहतर पुलिसिंग करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है. आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे आप जानते हैं कि पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है, और अपने थाना क्षेत्र में देखते हुए जैसे अपने जवान रात में गश्त करते हैं, खूब ठंड लगती है, तो हम ये भी देखते हैं कि कई सारे गरीब व्यक्ति हैं जो सड़क पर जो सोते, जिनके घर नहीं है, खूब ठंड में रहते हैं. इसको देखते हुए साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टीज़ के सहयोग से हमने आज रामगंज थाना क्षेत्र में कुछ कंबल बांटे कुछ लोगों को. उम्मीद करते हैं कि ये कंबल उन्हें सर्दी से बचा करके घर महास पहुँचाए.